हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बाबू। मैं आज आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि एक ऐसी कंपनी भी है जो आपको लोन इस टाइम भी दे रही है। बाकी कई सारी कंपनियां इस टाइम COVID-19 की वजह से आपको लोन देना बंद कर चुकी हैं, चाहे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो, लोन देना बिल्कुल ही बंद कर चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपको लोन इंस्टेंट दे देती हैं। तो आज मैंने ऐसा एक एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया जो उसका प्रूफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको ऑनलाइन अभी अप्लाई आपके सामने करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसका लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ जो प्रूफ हमारे अकाउंट में पैसे आए भी हैं और आएंगे भी, ये गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। ये कंपनी है जो मैं आपको दिखा दूँ प्रूफ, ऑनगोइंग लोन, ये लोन स्टेटस दिखा रहा है, डिस्बर्स हो गया है। लोन आईडी यहाँ पे है, 3,000 रुपये का अमाउंट ये डिस्बर्स हुआ है। डेट ड्यू बता रहा है 22/6/2020 को बता रहा है। रिकवरी डेट बता रहा है 24/6 को। अगर आप 22 तक अगर आप नहीं जमा कराते तो जब 24 को रिकवरी करेंगे। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप एप्लीकेशन में जाते हैं, तो एप्लीकेशन में जाके हम इसको अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि कैसे करते हैं इसे। तो मैं आपको दिखा दूं, ये एप्लीकेशन है जो आपको लोन देती है। तो ये इस एप्लीकेशन का नाम है Z2P। तो इस एप्लीकेशन पे हम जाएंगे और इसको देखेंगे इंस्टॉल करके कि ये कैसे वर्क करती है। तो इंस्टॉल होके इसको ओपन करके इसमें से जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो हम भर देते हैं और इसको अप्लाई करके इसी टाइम ही हम इसको इंस्टेंट में पैसे लोन में ले लेते हैं, अगर हमें ज़रूरत है तो। अगर नहीं ज़रूरत है तो किसी भाई को ज़रूरत होगी उनको आप बता सकते हैं, वो इनकी कि इस टाइम जो इस हिसाब से हमारे हालात चल रहे हैं, कभी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है और घर में पैसे होते नहीं हैं, तो अपना ये जो बेकार सा टाइम है इसको आप अच्छे तरह से पास कर सकते हैं लोन लेके। एक पेज हमारे सामने ऐसे खुल के आ जाता है, इसमें अभी लोन अमाउंट 0 बता रहा है और 62 दिन का ये बता रहा है कि 62 दिन में आप इसको अमाउंट को रीपे कर सकते हैं। इंटरेस्ट 0 बता रहा है, टोटल पे 0 बता रहा है, क्योंकि अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है। अभी अप्लाई करके, चलिए अप्लाई करके देखते हैं। इस पे अप्लाई नो पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपने अपना डिटेल भरना है, अपना नाम भरना है, ईमेल आईडी भरना है, उसके बाद जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, अपना करंट एड्रेस भरना है जो भी है, इस एरिया भरना है, किस सिटी में रहते हैं वो भरना है, वहाँ का पिन कोड भरना है। अगर आपका ये करंट एड्रेस यहाँ पे, अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो अलग है तो वहाँ पे यहाँ पे अलग से भरना है, नहीं तो वहाँ पे सेम है, करंट एड्रेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल आ जाता है, कंपनी नेम भरना है, आपने किस कंपनी में जॉब करते हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कोई भी हो यहाँ पे भरना है, उसके एड्रेस भरना है, वो कंपनी कहाँ पे कौन सी सिटी में है उस सिटी का नाम भरना है, उसका पिन कोड भरना है, और आपकी सैलरी कितनी है वहाँ पे भर देनी है, जितनी भी है आपकी, 15,000, 20,000, 35,000, 40,000 जितनी भी है आप यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेलेक्ट वर्किंग एरिया, आप कहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे भर देना है। डेस्टिनेशन आपकी क्या है यहाँ पे क्लिक करके भर देना है। वर्किंग करंट कंपनी में कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर भर देना है। टोटल आपका एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ पर भर देना है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सैलरी, जो आपकी सैलरी कितने टाइम में कौन से तारीख को आ जाती है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक्सपेक्टेड कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब एक ही डेट हो, एक्सपेक्टेड मतलब उस डेट के आसपास में 5 दिन प्लस माइनस हो सकता है। तो करने के बाद में आपने यहाँ पे सेव डिटेल पे क्लिक करना। तो जब मैं क्लिक करके आगे चलते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे बैंक का डिटेल भरना है, बैंक का स्टेटमेंट भरना है जहाँ पे आपकी सैलरी आती है। तो यहाँ पे कहते हैं स्टेटमेंट मस्ट 1 जनवरी टू 1 मार्च, यानी कि आपने 3 महीने की स्टेटमेंट यहाँ पे देनी है, और जो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने के यहाँ पे अकाउंट डिटेल स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए मैं इसको अपलोड करके नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ये करने के बाद में आपने KYC करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। KYC में आपने अपना आधार कार्ड का फ्रंट यहाँ पे क्लिक करके आपने अपलोड करना है, उसके बाद बैक साइड उसका अपलोड करना है, आपने पैन कार्ड अपना यहाँ पे अपलोड करना है, आप ये और अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है करंटली उसी टाइम, और यहाँ पे आपने सिग्नेचर अपलोड करना है जो आपके सिग्नेचर बैंक में हैं। तो चलिए मैं अपलोड करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके आपको दिखाता हूँ। तो
तो अप्लाई लोन पे क्लियर करने के बाद में जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दोबारा मेरा पे जो क्रेडिट लिमिट है वो दोबारा फ्लैश हुआ है, जबकि मेरा ये लिमिट योर अप्रूव जो मैंने वहाँ पे 85 दिया हुआ था जब मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पे मुझे अप्रूवल के लिए जो लिमिट मिली वो 3,000 रुपये मिली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ योर अप्रूवल लिमिट 3,000 रुपये, और 3,000 का 62 दिन में मुझे अप्रूव करना है, 360 रुपये मैंने इसका इंटरेस्ट देना है। तो मैंने इस पर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ माई लोन में। खोल लेते हैं जेट टू पी को। जेट टू पी को खोलने के बाद में ये हमारी लिमिट जो मैंने आपको दिखाई थी 3,000 रुपये अप्रूव्ड हो गई है, स्टेटस जो 3,000 का था। तो आगे मैं दिखाता हूँ, ये मेरे डिटेल जो मैंने आपको दिखाया था कैसे कैसे भरने वो मैंने सारे भरे हैं। तो मैं इसको वहाँ पे ब्लर कर दूंगा ताकि मेरे डिटेल आपको या किसी को कोई गलती यूज ना कर सके। तो ये सारे मैंने सारे भर के अप्लाई कर दिए हैं, तो ऐसे ही आप अप्लाई करके आगे जा सकते हो। तो मैं आपको अगला स्टेप दिखा सकता हूँ। ये दूसरा स्टेप है, तो पर्सनल डिटेल के बाद में आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल भरनी है, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे कंपनी नेम भरना है, कंपनी नेम के बाद में जैसे सारा कुछ भरना है। उसके बाद केवाईसी करनी है, केवाईसी कर दीजिए सारा, अपना आधार कार्ड, बैक साइड, पैन कार्ड, योर आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर समेत सारे फिल कर देने हैं। फिर करने के बाद में आपने आगे जाना है, आगे जाने के बाद में आपने अपना बैंक का डिटेल अपलोड करना है। बैंक का डिटेल वो होना चाहिए जहाँ पे आपकी सैलरी आती है, तो भर दीजिए, मैं भर दी मैंने भर दिया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अल्टरनेट नंबर डालना है। तो दोस्तों मेरी एप्लीकेशन में अपडेट हो गया है, मुझे मैसेज भी आ गया है 3,000 रुपये का। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरा एप्लीकेशन अभी खुल रहा है तो आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है लोन स्टेटस डिस्पर्स और लोन आईडी शो हो रही है, 3,000 रुपये 62 दिन में मिल रहा है मुझे, और इतने डेट को ड्यू है, तो इस डेट में मैंने पेमेंट इसको करनी है, और ये 3,360 रुपये मुझे पे करना है इनको, यानी कि 360 रुपये मेरा ब्याज हो गया, और 200 रुपये मैंने इनको एक्स्ट्रा पे किया प्रोसेसिंग फ़ीस के में, मतलब इसका मतलब ये 560 रुपये मैंने इनको एक्स्ट्रा देना है 3,000 रुपये के बदले। तो मैं आपको मैसेज भी दिखा दूँ जो मेरे अकाउंट में पैसे आए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे अकाउंट में 3,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं और 48 मिनट पहले, तो वो मैं आपको दिखाने के लिए रखा था। दिखा दूँ कि मैं ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियो लेके आता रहूँगा ताकि आपकी कोई भी दिक्कत हो तो वो सॉल्व हो जाए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।